दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में आज सुबह से ही गहमा गहमी रही। अदालत ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम पर कोर्ट में सजा पर अंतरिम जिरह शुरू हुई। सुखराम के वकील ने कोर्ट से सजा पर नरम रुख इख्तियार करने की अपील की। वकील ने सुखराम की तरफ से कहा, मेरी उम्र 86 साल हो चुकी है, मैं इस ट्रायल में 12-13 साल से अदालत के सामने पेश हो रहा हूं। मैं ज्यादा उम्र में होने वाली बीमारियों से जूझ रहा हूं और मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, इसीलिए मेरे साथ नरमी बरती जाए। इसके साथ ही सुखराम के वकील ने ये दलील भी दी कि सुखराम के भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस पर सीबीआई के वकील ने एतराज जाहिर किया। सीबीआई के वकील ने दलील दी, उम्र रियायत के लिए एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन कोर्ट इस बात का ध्यान रखे कि आरोपी ने अपराध किस उम्र में किया है। इन दिनों हर मुकदमे में फैसला आते आते 10 से 15 साल लग जाते हैं, इसीलिए इस मामले में इसे नरमी का आधार बनाना उचित नहीं होगा। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि सुखराम भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल रहे हैं और ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज आरपी पांडे ने शाम 4:15 बजे के करीब अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुखराम को 5 साल की कैद की सजा दी और इसके साथ ही 4 लाख का जुर्माना जमा करने का हुक्म दिया।